अभिनेता सोनू सूद के मुंबई स्थित आवास सहित उनके 6 स्थानों का आयकर विभाग ने सर्वे किया है। हालांकि अब तक आईटी की टीमों को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि आईटी का ये सर्वे सुबह से ही चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी कथित कर चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को अभिनेता सोनू सूद से जुड़े मुंबई और अन्य स्थानों पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जांच की यह कार्रवाई मुंबई और लखनऊ के कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर की जा रही है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या आयकर विभाग के अधिकारी सोनू सूद के आवास पर भी पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संपत्ति की खरीद आयकर विभाग की नजर में है। बता दें कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आए सोनू सूद, देखते ही देखते सोनू सूद हर शख्स के लिए रियल हीरो बन गए थे। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने हाल ही में सोनू सूद को देश का मेंटर कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी सरकार का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का उनके करियर को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा। वहीं आयकर विभाग के इस सर्वे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोनू सूद के बचाव में उतरे। केजरीवाल ने कहा, सोनू सूद के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में इस अभिनेता का सहयोग मिला था। केजरीवाल ने सोनू सूद के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा, सच्चाई की राह पर लाखों मुश्किलें हैं, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई के रास्तों पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। केजरीवाल ने कहा, सोनू जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। वहीं आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि लाखों लोगों द्वारा मसीहा माने जाने वाले एक बड़े परोपकारी को असुरक्षित सरकार की ओर से चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जाना है। इसके अलावा आप विधायक आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा, अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वे भाजपा द्वारा स्पष्ट संदेश है कि वह देश में अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाएगी। आतिशी ने ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की मदद करना क्या सोनू सूद का गुनाह था? मुश्किल घड़ी में मदद करना क्या उनका गुनाह था? बता दें कि पिछले साल कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अभिनेता प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य पहुंचाने में मदद करने को लेकर खबरों में रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।